वक्त मैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर मौजूद हूं। कल यहीं पर दंगा फसाद हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसकी जांच स्पेशल सेल ने की थी, कॉन्स्पिरेसी की, और उस दौरान भी इस कुशल चौक का नाम सामने आया था। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी, जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। ये इस क्या इस इलाके में बांग्लादेशी काफी रहते हैं सर? हाँ जी। कहाँ पे रहते? किस साइड? ये सी ब्लॉक। सी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सी ब्लॉक। ये सामने सी ब्लॉक है ना, इसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। अच्छा। और सब क्या है, ये चारों तरफ की रोड है ना, चारों तरफ जी ब्लॉक की और सी ब्लॉक की, सारे रोड पर आप जाकर के सर्वे करो, पूरे चलने के लिए एक ई रिक्शा की जगह नहीं है। सारे कैप्चरिंग करके सारे घटने उसमें करते हैं और कवारे का पूरे जाम है, कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। और वहाँ से सारे वही पत्थरबाजी वहीं से किए हैं जुलूस निकलने के। क्या यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत रहते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सर यहाँ इधर। तो क्या किस तरह से यहाँ कोई पुलिस कुछ करती है कि नहीं करती? नहीं सर, पुलिस उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे, पुलिस टाइम पुलिस तो थी नहीं। क्या एक्टिविटी होती है? एक्टिविटी तो सर कुछ नहीं होती, जब चोरी चकारी वगैरह होती है इनकी वजह से ये होता है यहाँ पे, बस खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम गुंडागर्दी होती है। कितनी की संख्या में बांग्लादेश? यहाँ पुलिस की भी कमी है। जब रैली की परमिशन थी, जैसे हनुमान जयंती की जब परमिशन थी, तो जानते हैं कि ये पूरे इंडिया के अंदर आतंक मचा रखा है उन्होंने, तो फिर प्रशासन को तो वहाँ लेकर के चलना चाहिए ना, प्रशासन दो देते हैं। ब्लॉक कुशल चौक, यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं काफी ज्यादा, बहुत कम से कम 10,000 रहते हैं, 10,000 या कम से कम रहते हैं, और सारे कैप्चरिंग किए हैं रोड को बिल्कुल, उसी में सारे आतंकवादी फैला रखे हैं। तो ये देखिए, जो जिस तरह से हमने आपको बताया और हमारे पास दस्तावेज भी हैं, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में खुलासा किया था कि इसी सी ब्लॉक कुशल चौक से जो शाहीन बाग है और जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर काफी ज्यादा दंगे भी हुए थे, वहां पर इसी इलाके से बांग्लादेशियों को ले जाया गया था और शील्ड के तौर पर वहां दिखाया गया था। तो एक बार फिर इस इलाके में यहां पर दंगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पुलिस इस बात को भी ध्यान में रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी।